So, yo, what's up guys? कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या आप ऐसे टू फिंगर का सेंचुरी में हर शॉट और वन शॉट नहीं मार पाते हो? फास्ट ग्लोर एंड फास्ट मूवमेंट भी नहीं कर पाते हो? और टू फिंगर का सेंचुरी में ऐसे फास्ट एडब्ल्यू नहीं चला पाते हो? हाँ भी हाँ। तो आप ये सब चीज नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप एक गलती कर रहे हो। वो गलती ये है कि आप पाउडर यूज नहीं करते ना। तो पाउडर यूज करो यार, ऐसा लग रहा चाहिए कि तुम मोबाइल के साथ पाउडर यूज नहीं कर रहे हो, पाउडर के साथ मोबाइल यूज करो। ठीक है, इतना यूज चाहिए। मत किया करो, मेरे बातों में बताओ नहीं तो ऐसी मार खाओगे। अगर आपके ऐसे हेडशॉट नहीं लग रहे, फास्ट में नहीं कर पा रहे, या फास्ट एडब्ल्यू नहीं चला पा रहे हो, मींस आप पूरी कोशिश कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर गलती है। गलती आपके कस्टमर चुरी के अंदर भी हो सकता है, जो कि मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ एंड उसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप भी ठीक कर लेते हो तो आप एकदम इजिली ऐसे फास्ट में कर पाओगे, फास्ट ग्लो एंड फास्ट एडब्ल्यू चला पाओगे। तो चलो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट के कार्यक्रम तो चलो गाइस, बिना को डाइस के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आप ऐसा फास्ट मूवमेंट करना चाहते हो, आप कोशिश भी करते हो, सब कुछ सही करते हो, बट फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाते हो, तो पहले कस्टमर चुरी मिस्टेक की वजह से हो सकता है। वो पहला कस्टमर चुरी मिस्टेक ये है कि आपके किसी एक साइड ज्यादा बटन होगा, इसलिए ऐसा होता है। मतलब किसी एक साइड का मतलब ये है कि जैसे कि लेफ्ट साइड देख सकते हो कि मैंने इतने सारे बटन रख दिए, लेफ्ट वाला फायर बटन के साथ क्विक ओपन स्विच बटन, उसी के साथ मैंने जंप बटन और शिफ्ट बटन दोनों भी रख दिया, इसीलिए देख सकते हो कि इस साइड बहुत ज्यादा बटन हो गए। अगर मुझे फास्ट मूवमेंट करना है तो इसके बाद इस बटन पे क्लिक करना है, फिर इस बटन पे क्लिक करना है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा। और मैं इधर थ्री फिंगर तो खेलता नहीं हूं कि इतना सारा बटन रख लिया तो एकदम जल्दी जल्दी कर पाओ, तो इसीलिए इधर आपको कम बटन रखा है। मैं इस कम बटन मतलब दोनों साइड इक्वली बटन रखने, किसी साइड ज्यादा किसी साइड कम नहीं रखना, क्योंकि आपके पास दो ही उंगली है, मींस दो थंब है, किसी साइड ऐसा नहीं कि एक थंब और एक उंगली है जो थ्री फिंगर में होता है, तो आप ज्यादा बटन एक साइड रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इक्वली रखना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आपका राइट साइड होता है उसमें सीटा बटन और आपका जो जंप वाला बटन, ड्रैग वाला बटन, स्को वाला बटन होता है, वो हमेशा राइट साइड होना ही चाहिए। ये सब बटन को आपको राइट साइड रखने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे बंदे लोगों को देखा है मैंने जो कि सीटा बटन और जंप बटन को भी इस साइड डाल देते, तो जरूरत नहीं है यार, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता मतलब फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाओगे। आप मेरा कस्टमर चुरी देख सकते हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी साइड मैंने ज्यादा बटन, मतलब इस साइड थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बट एक टाइप से देख सकते हो कि प्रॉपर है, मतलब एक साइड ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है, और एक साइड बहुत ज्यादा कम नहीं लग रहा, मतलब एकदम सही है। ऐसा ही आपका कुछ कस्टमर चुरी होना चाहिए, किसी साइड ज्यादा बटन नहीं होना चाहिए। अभी बताएगा दूसरे कस्टमर चुरी मिस्टेक की तरफ, जिसकी वजह से आप ऐसा फास्ट ग्लो नहीं लगा पाते हो, वो ये कि मैंने बहुत सारे बंदे लोगों को देखा है, बहुत सारे बंदे लोगों को जो ग्लो वाला बटन है उसको राइट साइड रखते और ऐसा ऊपर साइड रखते, नहीं तो इधर रखते। तो मैं बता दूं, ये सब पोजीशन ठीक है, मींस आप ग्लोअल तो लगा लोगे बट फास्ट ग्लोअल नहीं लगा पाओगे, कभी कभी खड़े खड़े ग्लोअल लग जाता है। और पहली बात, इधर ग्लोअल डालोगे तो बंदे कैसे दिखेंगे? हाँ, बंदे देखने में भी प्रॉब्लम होता है, उसी के साथ स्किन स्वैप करते तो बीच बीच में ग्लोअल आता है, वो बात अलग होता है, इसीलिए इधर ग्लोअल डालने की जरूरत नहीं है। ग्लोअल का सबसे अच्छा पोजीशन जो बोल सकते हो एक ये है और एक ये, क्योंकि इधर थंब जल्दी पूछ जाता है और ग्लोअल वाला बटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उधर आपका थंब जल्दी पूछना चाहिए, तभी ना आप फास्ट ग्लोअल लगा पाओगे। इसलिए ग्लोअल वाले बटन को आप इधर रख सकते हो, नहीं तो इधर रख सकते हो अगर आपको फास्ट ग्लोअल लगाना है, नहीं लगाना तो आप इधर रख सकते हो। और गाइस, मैंने इसको क्यों कवर किया, क्योंकि सच में इधर बहुत सारे बंदे लोग ग्लोअल रखते हैं, मुझे पता है आप लोग में से भी बहुत सारे बंदे लोग रखते होंगे, तो इधर रखने का कोई सेंस, मतलब सेंस तो नहीं बोल सकते हो, मतलब कोई फायदा नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए इधर मत रखा करो। अभी बिना कोई डांस के गाइस, तीसरे मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सचमुच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप लेफ्ट वाला फायर बटन और क्विक ओपन स्विच बटन यूज करते हो तो आपको टू फिंगर में किधर करना चाहिए, क्योंकि थ्री फिंगर जैसे इधर एक उंगली एक्स्ट्रा नहीं रहता कि आप ऊपर रख दो, वो किधर यूज करना चाहिए दोनों बटन को अगर आपको टू फिंगर में यूज करना है तो। तो सबसे पहला एडवाइस तो मैं यही दूंगा कि आप दोनों बटन को एक साथ मत यूज करा करो, क्योंकि ये ज्यादा बटन हो जाते हैं और आपके पास उंगली तो एक ही रहेगा ना, एक साइड, या दो ही उंगली है ना, टू फिंगर में तो दो ही उंगली ज्यादा से ज्यादा रहेगा, थ्री फिंगर में तो तीन उंगली रहता है, तो एक बटन को सह सकते हैं, बट टू फिंगर में थोड़ा सा हार्ड होता है। बट अगर आप यूज करना चाहते तो भी मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले अगर आपको लेफ्ट वाला फायर बटन यूज करना है टू फिंगर में तो आप इधर कर सकते हो, और क्विक ओपन स्विच बटन यूज करना है तो आप इधर कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो ये दोनों बटन को साथ में भी यूज कर सकते हो, जो मैंने पोजीशन बताया वो पोजीशन पे रख के। और प्लीज क्विक ओपन स्विच बटन को गलती से भी इधर मत रखना एंड इधर मत रखना, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ये बहुत सारे बंदे लोग गलती करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो मैंने दो प्लेस बताया उधर आपको रखना है, अगर
ये दोनों बटन आपको टू फिंगर में यूज करना है, तो अगर साथ में भी यूज करना है तो एक साथ आप उधर रख सकते हो। अभी बढ़ते गाइस चौथे मिस्टेक की तरफ, जिसके वजह से बहुत बार आपको क्लिक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उसी के साथ आप फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाते हो। वो ये है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि दो बटन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस दे देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी दो बटन को इतना ज्यादा पास में कर देते हैं कि किसी और बटन पे भी क्लिक करो तो किसी और बटन पे क्लिक हो जाता है। तो आपको यही चीज ध्यान रखना, आप अपने कस्टमर स्टडी में जाओ, मैं कुछ ज्यादा चेंजेस करने को तो नहीं बोलूंगा, बट आपको देख लेना है कि दो बटन के बीच में ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि सीट बटन ड्रैग वाले बटन के बीच में देख सकते हैं कितना ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसको थोड़ा सा पास कर देना, इतना भी ज्यादा पास मत कर देना, नहीं तो क्लिक प्रॉब्लम होंगे। किसी और बटन पे क्लिक करो कोई और बटन पे क्लिक होगा। तो अगर आपके साथ क्लिक प्रॉब्लम होता है या आप फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाते हो, तो ये मिस्टेक आपके कस्टमर स्टडी में 101% होगा। मीन्स दो बटन के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगा या बहुत ज्यादा पास में होंगे, जिसकी वजह से क्लिक प्रॉब्लम होता होगा। तो नहीं आपको ज्यादा दूर रखना, नहीं ज्यादा पास में रखना। जैसे कि मेरे कस्टमर स्टडी में देख सकते हो कि सब बटन एकदम प्रॉपरली है, मीन्स ज्यादा दूर नहीं है, नहीं ज्यादा पास में। जो जो बटन पास में देख सकते हो उसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, मीन्स एकदम सही है, नहीं ज्यादा पास नहीं ज्यादा दूर, मतलब मैंने प्यार एकदम मेंटेन करके रखा अच्छे से। क्या सस्ते जोक मारता हूँ। तो गाइस बिना गाइस के लास्ट मिस्टेक की तरफ बढ़ते, जो कि बहुत सारे बंदे लोग करते हो, ये कि एकदम से हर एक बटन का साइज इंक्रीज कर देंगे, एकदम से हर एक बटन का साइज डिक्रीज कर देंगे, मीन्स एकदम छोटे छोटे से कर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ऐसा छोटा छोटा सा रहेगा बटन, तो आपको क्लिक करने में प्रॉब्लम होगा, क्लिक करने में प्रॉब्लम होगा, मतलब ये नहीं कि कोई और बटन पे क्लिक हो जाएगा, उस बटन पे क्लिक ही नहीं होगा, कोई बटन पे क्लिक नहीं होगा, मतलब वो बटन पे क्लिक कर रहे हो कोई बटन पे क्लिक ही नहीं होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इसलिए आपको ऐसा एकदम से छोटा नहीं करना और ऐसे एकदम से बड़ा भी नहीं करना है, ठीक है, एकदम प्रॉपरली रखना। इसके बहुत सारे प्रॉफिट है, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब है बट बाद में बता दूंगा, बट अभी आपको इतना ही ध्यान रखना कि आपको एकदम से साइज बड़ा नहीं करना, नहीं छोटा करना। तो चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड यस चैनल पे पहली बार जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और भी बहुत सारे मिस्टेक है जो कि मैं अगर आप बोलो तो पार्ट टू में जाके कवर कर सकता हूं। एंड यस गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है शुरू में, तब तक बाय बाय।